जय जिनेन्द्र वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमल मनोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुल मेणु मो सुद केवली भलिदं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य फिर पूछता है, भगवान ये कर्म और आत्मा बंधे हैं कि बिना बंधे हैं? वास्तव में आत्मा है कैसी, जरा स्पष्ट बताइए। तो आचार्य अगली गाथा में बता रहे हैं 147 और 48 में। आइए गाथा 147। एक सदुपरिणामो उगल दौवसकम भावेण ताजीव भाव हे दुहि वीणा कम्मस परिणामो। बोलिए। एक सदुपरिणामो उगल दौवसकम भावेण ताजीव भाव हे दुहि वीणा कम्मस परिणामो। फिर बोले। एक सदुपरिणामो उगल दौवसकम भावेण ताजीव भाव हे दुहि वीणा कम्मस परिणामो। एक परिणामो परिणाम पुंगल दवस पुद्गल द्रव्य का ही होता है कम्म भावेण कर्म भाव से। अर्थात एक पुद्गल द्रव्य जो है वो ही कर्म भाव से परिणमन करता है। अर्थात कार्मण वर्गणा स्वयं कर्म भाव से परिणमन करती है। अगर ऐसा माने तो ता माने तो फिर जीव भाव हेतु ही जीव के अज्ञान परिणाम रूप निमित्त कारण से बिना उनके बिना ही कम्मस परिणामो कर्म का परिणाम हुवे होना चाहिए। जैसे पहले कहा था ना पिछली गाथा में पिछली ज्ञानशाला में आया था कि बिना कर्मों के निमित्त के आत्मा में स्वयं राग द्वेष होता है, अगर यही मान ले तो आपत्ति क्या है। उन्होंने समझाया था नहीं ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा मानेंगे ना तो सिद्ध भगवान में भी फिर कर्म रूप परिणमन राग द्वेष रूप सब मानना पड़ जाएगा, वो नहीं होता। अब यहाँ कह रहे हैं इसी प्रकार अगर कर्म भाव से परिणाम हम पुद्गल द्रव्य का मान लें स्वयं अपने आप तो कैसा रहेगा। तो कह रहे हैं एक परिणाम पुद्गल द्रव्य का ही होता है कर्म भाव से, अर्थात पुद्गल द्रव्य का ही परिणाम एक कर्म भाव से होता है। ता माने तो फिर जीव भाव हेतु ही जीव के अज्ञान परिणाम रूप निमित्त कारण से उसके बिना ही कम्मस परिणामो कर्म का परिणाम होना चाहिए। कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन कब करती है, जब जीव में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। अगर उन परिणामों के बिना कर्म स्वयं राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं ऐसा मान लेंगे तो फिर इन अज्ञान परिणामों के निमित्त कारण के बिना ही कर्म का परिणाम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जैसे परिणाम जीव के होते हैं कार्मण वर्गणाएँ तदनुसार कर्म रूप परिणमन करके और आत्मा के साथ जुड़ती हैं, यह है सिद्धांत। इसलिए अगर ये माना जाए कि पुद्गल द्रव्य स्वयं का ही कर्म रूप परिणमन हो जाए तो नहीं, ये भी नहीं चलने वाला। जैसे जीव बिना कार्मण वर्गणाओं के या बिना कर्मों के
कभी भी राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता, उसी तरह कार्मण वर्गणाएं भी बिना जीव के अज्ञान में परिणामों के निमित्त के बिना वे भी कर्म रूप परिणमन नहीं करती। एक बार फिर देखें, एक सदुपरिणामो एक परिणाम पुद्गल दव्वस्य पुद्गल द्रव्य का ही होता है कम भावेण कर्म भाव से। कर्म भाव से एक परिणाम मात्र पुद्गल द्रव्य का होता है, तो ता तो फिर जीव भाव हेतु ही जीव के जो अज्ञान परिणाम रूप निमित्त कारण से उनके बिना ही कर्म का परिणाम होना चाहिए, ऐसा होता नहीं। अगर जीव में राग द्वेष रूप परिणमन नहीं हो तो कार्मण वर्गणाएँ कभी कर्म रूप परिणमन नहीं करें, इसलिए हमें आगम के अनुसार सही बात समझनी चाहिए। कर्म भाव से परिणाम एक पुद्गल द्रव्य का ही होता है, तो फिर जीव के रागादि अज्ञान परिणाम रूप निमित्त कारण से पृथक माने बिना ही पुद्गल द्रव्य कर्म का परिणाम होना, पर ऐसा होता नहीं। पंडित जी, रागादि रूप परिणमन किसमें होता है? जीव में भी और कर्म में भी। कैसे? राग दो प्रकार का, एक द्रव्य राग एक भाव राग। द्रव्य राग माने कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई राग रूप से, वो द्रव्य राग जिसके उदय से आत्मा में भाव राग होता है। तो जो द्रव्य राग है अर्थात जो राग रूप द्रव्य कर्म है उसमें परिणमन किसका हुआ? वो तो उसमें उपादान परिणमन पुद्गल वर्गणाओं ने स्वयं राग रूप कर्म रूप किया। अच्छा, आत्मा में जो भाव राग हुआ इस भाव राग में किसका परिणमन हुआ? ये उपादान आत्मा स्वयं और ये आत्मा के परिणामों के द्वारा हुआ। परिणाम स्वयं राग द्वेष रूप परिणमन कर गए। समझने वाली बात क्या है? कार्मण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन होने में जीव के रागादि परिणाम निमित्त पड़ते हैं, और जीव के राग द्वेष रूप परिणमन होने में जो कर्म रूप परिणाम जो कर्म है द्रव्य कर्म उसका उदय निमित्त पड़ता है। इस प्रकार रागादि रूप परिणाम तो दोनों में है, द्रव्य राग रूप परिणाम पुद्गल में है, भाव राग रूप परिणाम आत्मा में है। पंडित जी, रागादि भाव जीव के स्वभाव तो है नहीं, फिर कहाँ से आ जाते हैं? जो स्वभाव परिणत आत्मा है शुद्ध आत्मा है उसमें तो रागादि भाव आते ही नहीं। जैसे जो सिद्ध आत्माएं हैं मुक्त आत्माएं भगवान बन चुकी हैं उनके तो रागादि आने का प्रश्न ही नहीं। जो संसारी आत्मा है उसमें क्या होता है? जब रागादि कर्मों का वो निमित्त पाती है तो उसमें राग द्वेष रूप परिणमन हो जाता है। ये उसका स्वभाव भाव नहीं, ये उसका वैभाविक भाव है। वैभाविक भाव अन्य के कारण होने वाला परिणाम। जो भाव अन्य के कारण हो वह वैभाविक, और जो किसी के कारण नहीं हो वह स्वाभाविक। ये एक्चुअली राग द्वेष आदि परिणाम ये वैभाविक भाव हैं, ये तो कर्म के उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में होते हैं, शुद्ध आत्मा में तो होने का प्रश्न ही नहीं है। जीव राग और पुद्गल राग में क्या अंतर है? जीव में जो राग द्वेष रूप परिणाम हुए वो जीव राग, और आत्मा में जो माया और लोभ रूप या अन्य नौकषाय रूप जो परिणमन हुआ कार्मण वर्गणाओं का वो क्या हुआ? वो हुआ द्रव्य राग। एक बार फिर समझें, कषायों में राग द्वेष का विभाजन कैसे होता है? कषाय हैं चार कषाय नौ नौ कषाय। चार कषायों में क्रोध और मान ये द्वेष रूप हैं, माया और लोभ ये राग रूप हैं। हम नौ और चार तेरह कषाय बोलें या हम राग द्वेष बोल दें काम हो जाता है। अब देखिए, क्रोध और मान कषाय ये द्वेष रूप हैं। अब नौ कषाय में देखें, हास्य और रति ये राग रूप है,
शोक और अरति ये द्वेष रूप है, भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप हैं और तीनों वेद ये राग रूप हैं। इस तरह इन कषायों में राग द्वेष रूप बंटवारा है। आत्मा को जिस कर्म का उदय मिलता है उस रूप आत्मा परिणमन हो जाता है, वैसे परिणाम आत्मा में हो जाते हैं। समझने वाली बात क्या है? आत्मा में जो भाव राग है उसमें आत्मा के परिणाम उपादान कारण है, कर्म निमित्त हैं, और जो पुद्गल राग है उसमें पुद्गल वर्गणा जो है, जो पुद्गल है वो उपादान कारण है और जीव के परिणाम निमित्त हैं। इस तरह दोनों में अंतर है, जीव राग अलग और पुद्गल राग अलग। गाथा 147 हमने आज समझी, आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। रागादि भाव करता जड़ जीव ज्यो ही है कर्म रूप ढलते जड़ द्रव्य त्यो ही। रागादि से पृथक पुद्गल है इसी से ऐसा समाधिरत सा दुलखे रुचि से। पंडित जी, इस पद्यानुवाद में पहली पंक्ति में जीव को जड़ क्यों कहा? जड़ माने होता है अज्ञानी, जड़ माने होता है मूर्ख। तू तो जड़ बुद्धि है, मतलब तेरी बुद्धि नहीं चलती। तो यहाँ इन्होंने कहा जड़ जीव माने अज्ञानी जीव जब रागादि भाव करता है, जड़ माने अज्ञानी, जड़ का मतलब अज्ञानी लेना है। आइए अब गाथा नंबर 148 देखते हैं। जीवे कम्मं बद्धम जीवे कम्मं बद्धम पुठं चेदिव वहारणयभणिदम् पुठं चेदिव वहारणयभणिदम् शुद्धलयस्य दुजीवे शुद्धलयस्य दुजीवे अबद्धपुठं हवदिकम्मम् अबद्धपुठं हवदिकम्मम्। बोलिए। जीवे कम्मं बद्धं पुठं चेदि भवहारुणयोभणिदं शोधणयस्य दुजीवे अबद्धपुठं हवदिकम्मं। जीवे कम्मं बद्धं पुठं चेदि भवहारुणयोभणिदं सदुजीवे अवध्यपुठं अवधिकम्मम्। आइए इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जीवे जीव में, कम्मम कर्म, बद्धम बधा हुआ है, पुठं और स्पर्श करता है, च इति इस प्रकार, व्यवहारणय भणिदम व्यवहारणय कहता है, व्यवहारणय का कथन है। और शुद्ध नय सदुजीवे और शुद्ध नय का कथन है जीव में, जीवे जीव में अबद्ध पुठम ना बधा है ना छुआ है, कम्मम माने कर्म ऐसा होता है। व्यवहार ने क्या कहता है कि जीव और कर्म बंधे हैं, एक दूसरे को छू भी रहे हैं, लेकिन शुद्ध ने कहता है कि कर्म और आत्मा कोई भी न बंधे हैं एक दूसरे से, न एक दूसरे को छू रहे हैं। कर्म अलग है, आत्मा अलग है। फिर एक बार देखें। जीवे जीव में कर्म बद्धम, कर्म बंधा हुआ है, पुठम और स्पर्श करता है, इति ऐसा, व्यवहार नय भणिदम व्यवहार नय का कथन है। और शुद्ध नय सदुजीवे और शुद्ध नय से जीव में, शुद्ध नय का कथन है
जीव में अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम, कम्मम माने कर्म, अबद्ध न बंधे हैं न छुबे होते हैं। इस प्रकार दो नए का कथन है, दोनों नए एक दूसरे से अलग अलग बात कर रहे हैं। एक नए कह रहा है व्यवहार ने कर्म जीव बंधे भी हैं छू भी रहे हैं, शुद्ध ने कहता है न कर्म बंधे हैं ना छुबे हैं। इस प्रकार इस गाथा में स्पष्ट किया है जीव में कर्म उसके प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है और उसे स्पर्श करता है, यह व्यवहार ने का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध न बंधे हैं और अस्पृष्ट और न छुबे हैं, यह निश्चय नय का कथन है। पंडित जी दोनों नयों का वर्णन विरुद्ध क्यों रहता है? वक्ता के कथन के अभिप्राय को नय कहते हैं। कथन का अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है तो नय भिन्न भिन्न होता है, बात भी अलग अलग होती है। छोटा सा उदाहरण ले लें, मेरी आत्मा और ये मेरा शरीर भिन्न है या अभिन्न, एक है या अनेक? उत्तर मिलेगा व्यवहार ने से तो एक है, शरीर के हर जर्रे जर्रे में आत्मा के प्रदेश हैं। निश्चय ने बोलेगा नहीं, आत्मा अलग और पुद्गल अलग। ऐसा क्यों? निश्चय ने द्रव्य को विषय करता है, व्यवहार ने पर्याय को विषय करता है। द्रव्य अलग पर्याय अलग। किताब है, ये किताब द्रव्य से तो पुद्गल है, कागज है, व्यवहार ने से समय सारजी हैं, ऐसे। इसलिए दोनों नयों में अभिप्राय वक्ता का अलग होने से दोनों नयों का वर्णन अलग अलग प्रकार से होता है और एक दूसरे से उल्टा होता है। कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं, मैं कहूँगा मैं निश्चय ने से आत्मा हूँ मनुष्य नहीं। आप व्यवहार ने से, मैं व्यवहार ने से मनुष्य हूँ आत्मा नहीं। क्यों? द्रव्य आत्मा है निश्चय ने का वर्णन, और पर्याय की बात करता है व्यवहार ने, उसका वर्णन व्यवहार ने से। दोनों का बताया जाने वाला विषय एकदम विपरीत है, इसलिए उनका कथन भी विपरीत होता है। इसीलिए गाथा में कहा है एक नए कहता है आत्मा और कर्म बंधे हैं छुबे हैं, एक कहता है ना बंधे हैं ना छुबे हैं। इस तरह दोनों नयों का वर्णन अलग अलग है। पंडित जी आत्मा और कर्म का कौन सा बंध माना जाए? पहले हम ये समझें बंध या संबंध कितने प्रकार के होते हैं। दो चीजें जुड़ती हैं मिलती हैं तो कितने प्रकार से मिलती हैं? तीन प्रकार से। जैसे मेरा ये कुर्ता और मैं, मेरा चश्मा और मैं, ये क्या है? संयोग संबंध है। जब चाहो इसको निकाल दो, ठीक है, संयोग संबंध। दूसरा, शरीर और आत्मा का ये संश्लेष संबंध है, एक दूसरे में है, एक ही क्षेत्र पे दोनों साथ में रहते हैं फिर भी दोनों अलग अलग हैं। जैसे गाय के थन से दूध निकला, अब दूध की हर बूंद में दूध भी है और पानी भी है। हमने उसको अग्नि पर रख दिया, सारा पानी उड़ गया, अब जो बचा उसमें खोआ ये दूध है। तो दूध और पानी, लेकिन जब दूध निकला थन में से दोनों एक दूसरे में मिले हैं, ये कहलाता है संश्लेष संबंध। ये जुदा हो जाता है। एक होता है तादात्म्य संबंध, जैसे आत्मा का और ज्ञान दर्शन का, आत्मा का और चेतना का, आत्मा के बिना चेतना नहीं, चेतना के बिना आत्मा नहीं। आत्मा होगी तो चेतना होगी, चेतना है तो आत्मा होगी ही, इसे हम कह दें तादात्म संबंध। जैसे पुद्गल है तो रूप रस गंध स्पर्श होगा ही, रूप रस गंध स्पर्श है तो वह पुद्गल होगा ही, ऐसे तीन तरह का बंध या संबंध होता है। अब जीव और कर्म का संबंध कैसा हुआ?
संश्लेष संबंध हुआ। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म और नोकर्म वर्गणाएँ मौजूद हैं, और जब आत्मा तपस्या करता है तो वे सारी कर्म वर्गणाएँ अलग हो जाती हैं और आत्मा शुद्ध बन के ऊपर जाके भगवान बन के विराजमान हो जाता है। इसलिए इनका संबंध संश्लेष संबंध है। तादात्म्य संबंध कभी जुदा नहीं होता, संश्लेष संबंध जुदा हो सकता है, संयोग संबंध तो जुदा होता ही रहता है। हम गए कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े पहने, ये तो बदलता ही रहता है। इस तरह आत्मा और कर्म के संबंध को संश्लेष संबंध मानना चाहिए। इसको हम ये भी कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक क्षेत्र में दोनों। पंडित जी, हमारे आत्मा में जीव और कर्म अलग अलग है या एक है? इस गाथा में यही तो बताया है, जीव और कर्म बंधे हैं। व्यवहार ने कहता है एक में एक है, निश्चय ने कहता है ये कैसे हो जाएगा, कर्म तो पुद्गल है, आत्मा जीव है, जीव कभी पुद्गल नहीं, पुद्गल कभी जीव नहीं, जीव और पुद्गल कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, बंध ही नहीं सकते, फिर कैसे? उनका जो बंध है संश्लेष संबंध है, तादात्म संबंध नहीं। अगर तादात्म संबंध हो जाता तो कर्म भी जीव हो जाते और जीव भी कर्म रूप हो जाते, लेकिन ये होता नहीं। इसलिए इनका संबंध या बंध कैसा है? संश्लेष संबंध है बिल्कुल मौजूद। अब जैसे मान लो अभव्य आत्मा है, अब जो अभव्य जीव हैं उनकी आत्मा का कर्म के साथ संबंध कब से है? अनादिकाल से है। अच्छा, उन्हें कभी मोक्ष तो होगा नहीं अभव्य जीवों को, तो अब ये अभव्य जीव कब तक इनका और कर्मों का संबंध रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। ये अनंत काल तक संसार में भटकेंगे क्योंकि इनकी आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव है। इसलिए इनकी आत्मा में आत्मा कर्म का संबंध अनादि से है, अनंतानंत काल तक हमेशा रहेगा। भव्य जीव है, उनके है तो अनादि से, आगे कब तक रहे इसका नियम नहीं। पंडित जी, शुद्ध नहीं से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ क्यों नहीं है? पहले ये समझें शुद्ध नय क्या कहता है, शुद्ध नय का विषय क्या है। शुद्ध नय उस द्रव्य की शुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है। अब शुद्ध नय से मेरी आत्मा शुद्ध नय से कैसी है? सिद्धों जैसी है, आज नहीं पर सिद्धों जैसी बनने की शक्ति वाली है। पर निश्चय ने से मेरी आत्मा का स्वरूप शुद्ध कर्ममल से रहित है बिल्कुल। तो शुद्ध ने क्या कहता है, जब उसकी दृष्टि में गंदगी है ही नहीं तो वह कर्मों की चर्चा कैसे करेगा? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए आत्मा शुद्ध है, अकेला है, उसके साथ कोई बंधने वाला नहीं। निश्चय ने व्यवहार ने से मेरी आत्मा कर्मों से बंधी है, क्योंकि वो पर्याय का विषय। इसलिए निश्चय ने क्यों नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा कि वो शुद्ध द्रव्य का ग्रहण करता है और शुद्ध द्रव्य में कोई गंदगी अशुद्धि नहीं होती। आइए गाथा नंबर 148 का पद्यानुवाद देखते। गाता विशोद नय जीव सदा जुदा है, दुष्टाष्ट कर्म दल से न कभी बंधा है, संसार जीव विधि से बंधता बंधा था, यो भाव भी निस्वर में व्यवहार गाता। विशुद्ध ने से कर्मों से अलग है, अलग रहेगा, और व्यवहार ने से कर्मों से सहित है। आइए जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद कमला देवी, राकेश नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुश्रफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर राजस्थान, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन,
शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन, हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक के कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA। वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत सी शाह, लीना आर शाह, समर्थ आर शाह, धवनी एस शाह, निश्चल आर शाह, जनाली एन शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष सी सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।